फ्रेंड्स देखिए, अपना जो डिज़ायर है उसका फ्रेंड्स टायर डाउन हो चुका है, ठीक है। तो लगभग बहुत किलोमीटर चला लिया है एंड ये आप देख सकते हो ब्रिस्टल वाला टायर था एंड डाउन हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो टायर है 14 इंच का है, 165 है चौड़ाई, ठीक है। उसको मैं अपग्रेड करके योकोहामा लगा रहा हूँ, वो भी देख सकते हो 185। तो ये लगेगा और इसका थिकनेस आप देख सकते हो, ये फुल्ली डाउन हो चुका है एंड इसको लगाएंगे। साइज़ देख लीजिए, कंपेयर करके बहुत डिफरेंस है, साइज़ मतलब बहुत डिफरेंस है, ठीक है। गाड़ी का लुक जो है वो बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स अभी एक साथ चारों टायर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं अब आज दो ही कर रहा हूँ, फिर 2-3 दिन बाद अपना जो गाड़ी है उसका बैलेंसिंग अलाइनमेंट का काम है, तो उसमें हम फिर से पीछे वाला जो टायर है उसको चेंज कर देंगे। एक्चुअली पीछे वाला टायर का कंडीशन अच्छा है, इसको थोड़ा यूज़ करने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करेंगे। स्टेपनी वाला टायर आपको मैं ऑलरेडी दिखा दिया, वो एकदम डाउन था फ्रेंड्स, तो उसको चेंज करना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट था। स्टेपनी वाला टायर को चेंज करेंगे एंड राइट साइड वाला ये टायर, ये जो डाउन है ब्रिजस्टोन वाला, इसको चेंज करेंगे। मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स योकोहामा, योकोहामा सबसे बेस्ट है। योकोहामा में 5 ईयर्स का वारंटी है, उसके साथ 3 ईयर्स गारंटी है। अगर टायर में 50% बीट रहता है या कुछ भी होता है तो डायरेक्टली रिप्लेस करके न्यू टायर मिलेगा। तो इसीलिए दो योकोहामा मैं लूँगा, दो योकोहामा लगाऊंगा, सामने का दो लगाऊंगा। लुक थोड़ा एनहेंस होगा, आप देख सकते हो अभी का जो लुक है वो कुछ ऐसा है, मैं फ़ोटो भी ले लेता हूँ, वो कुछ ऐसा है। मेरे को पता है कि सामने का मोटा पीछे का पतला दिखने में ख़राब लगेगा, लेकिन गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मेरे को वही चाहिए। बाकी फ्रेंड्स मैं थोड़ा बहुत पीछे का टायर जो है 5,000 के आसपास यूज़ करने के बाद ये स्क्रैचेस हुआ है गाड़ी में, इसको सही करना है, तो इसको थोड़ा ख़त्म करने के बाद ही मैं पीछे का भी लगा दूंगा सेम 185, जिससे गाड़ी का स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि माइलेज लेके मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी में जो माइलेज देता है फ्रेंड्स उसके साथ कोई भी गाड़ी नहीं कर पाएगा। डीजल में है 25 से 27 का माइलेज, लोकल में ही मिलता है मेरे को, हाईवेज में 30 के आसपास मिलता है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन जिन लोगों के पास है उन लोगों को पता होगा कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो अभी क्या है, अपोलो से मैं स्विच कर रहा हूँ योकोहामा में, फिर देखते हैं। वीडियो कंटिन्यू कीजिए, आप लोगों को पसंद आएगा डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स देख सकते हो राइट साइड वाला व्हील, मतलब फ्रंट का जो व्हील है फ्रेंड्स, दोनों ही आपका इंजन का लोड रहता है उसके ऊपर, एंड मेरा गाड़ी तो पर्सनल यूज़ होता है, इसीलिए फ्रंट का जो दोनों व्हील है उसका ही टायर्स को चेंज करेंगे। फ्रेंड्स प्राइस जो टायर का है लगभग 5,500 के आसपास है, ठीक है। तो देख सकते हो एक एक मतलब खाली फ्रंट में आपका 10,000 से ऊपर खर्चा होगा एंड पीछे का भी मतलब 20,000 का टायर अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। ठीक ही है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में देखिए अपना गाड़ी बहुत ही फेवरेट है और ज़िंदगी बहुत फेवरेट है, तो टायर लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। टायर, ब्रेक्स, ब्रेक शूज़, इंजन ऑयल्स, ये सब लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ नहीं, ये सब आराम से आपका हो जाता है। देखिए टायर लग भी चुका है एंड लुक कैसा आ रहा है, देखिए ये अभी एक्चुअली टेस्टिंग हो रहा है कि लीकेज साइड वॉल से लीकेज ना रहे, एंड कंडीशन आप देख सकते हो लगा देंगे, भयंकर लगेगा, भयंकर लगेगा गाड़ी का टायर। ये है कुछ लुक, ओफ अब भी गाड़ी का जो लुक है ना फ्रेंड्स, मैं एक और फोटो लूँगा जब डाउन होगा। ये लुक जो है फ्रेंड्स ये अलग ही है, अलग अलग खतरनाक वाला जहर, कतई जहर वाला लुक देख सकते हो आप। फ्रेंड्स गाड़ी मेरा VDI है, मतलब मिड मॉडल, बट मैं टायर वायर अलॉय लगा के इसको पूरा टॉप मॉडल जैसे ही बना दिया, खाली इसमें प्रोजेक्टर नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब लुक देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा निकला भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, अलॉय है इसलिए निकला नहीं, सही लग रहा है टायर। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड वाला काम होगा फ्रेंड्स, देख सकते हो इसको उठाएंगे, एंड ये वाला टायर थोड़ा बहुत अच्छा कंडीशन में है, मतलब इसका जान जो है ख़त्म होने ही वाला है और 5,000-6,000 किलोमीटर बाद, मैक्स टू मैक्स 10,000, तो इसका जान ख़त्म होने वाला है। तो फ्रंट का जो है इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। वो स्टेपनी वाला में न्यू टायर इंस्टॉल हो रहा है उसको ही लगाएंगे, एंड योकोहामा लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त भी सजेस्ट किया था कि योकोहामा बहुत बढ़िया चला उसका ऑल वेदर टायर्स, और उसमें क्या होता है जो रबर है सिलिकॉन वाला है, इसमें कार्बन बेस्ड रबर है, तो सिलिकॉन वाला रबर है, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। देख सकते हो ये टायर इंस्टॉल हुआ है एंड ये है कुछ इसका लुक आ रहा है अलॉयस लगने के बाद। चलिए भैया लगा दीजिए। तो सस्पेंशन का भी काम हुआ था रिसेंटली एंड टायर्स भी बढ़िया वाला लग गया, और ये आप देखिए
185 एंड 165 के अंदर डिफरेंसेस है, ये थोड़ा अंदर घुसा हुआ है, ये थोड़ा बाहर है। तो आप लोगों को पता ही होगा अभी जो रोड में है चलने का जो परफॉर्मेंस है वो तो मेरे को ही पता चलेगा, लेकिन टायर्स बहुत बढ़िया है भैया लोग, मतलब मेरे घर के पास ही है तो बहुत ही मतलब अच्छे से एकदम काम कर रहे हैं। और मेरे को सजेस्ट भी किया कि तुम ये वाला लगा लो, तुमको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, इंजन का लोड भी है और आपका पूरा गाड़ी का लोड फ्रंट में ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये वाला टायर्स परफॉर्मेंस अच्छा देगा, लगा लो। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक्सपीरियंस जो है वो लास्ट में शेयर करूँगा इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। फ्रेंड्स देख सकते हो गाड़ी का काम हो चुका है, ठीक है, ये टायर भी लग चुका है एंड ये वाला भी हो चुका है। अभी बिलिंग का टाइम है जो सबसे पहले, ठीक है, तो ये है कुछ कंडीशन, देख सकते हो पीछे वाला का लुक, सामने वाला का लुक बढ़िया है। चलिए काम करते हैं, वीडियो को ख़त्म करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो नहीं मिला फेविक्विक उधर, फेविक्विक थोड़ा चाहिए था, तो इधर तक हुआ है वीडियो, बाकी का जो पार्ट है वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो काम किया मैं माया टायर्स में, देख सकते हो आप बहुत सारा हर ब्रांड का टायर्स आप लोग को मिल जाएगा, एंड मैं तो योकोहामा यूज़ किया हूँ, भैया सजेस्ट किए थे, तो लगभग मेरे को जो कॉस्टिंग आया है वो टायर वायर सब फिटिंग विटिंग लेके 10,500 का खर्चा आया है, ठीक है। तो इधर बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी होता है, जब पीछे वाला करेंगे वो बैलेंसिंग अलाइनमेंट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टायर का जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी, क्या भैया सही ना। तो फ्रेंड्स अपना गाड़ी का जो टायर है फ्रेंड्स डिज़ायर का वो मॉडिफाई किया हूँ, 165 था 14 इंच, मैं 185 किया हूँ 14 इंच, योकोहामा 5,500 के आसपास गाड़ी टायर का दाम है। तो ये देख सकते हो अपोलो वाला लगा हुआ है, ये भी 14 इंच में है 165 में, ठीक है, एंड ये ब्रांड न्यू है एकदम, योकोहामा बेस्ट है फ्रेंड्स, या तो ब्रिजस्टोन यूज़ कर सकते हो, लेकिन भैया हम लोगों को सजेस्ट किया योकोहामा लगाना इंपॉर्टेंट है। दोनों टायर चेंज किया हूँ, बाद में दोनों टायर चेंज करेंगे, दोनों टायर चेंज करने का जो खर्चा आया वो है 10,500, क्योंकि फ्रेंड्स ये है 185 थोड़ा चौड़ा है ज़्यादा, एंड ये है 165 थोड़ा कम चौड़ा है, मैं स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहता हूँ इसीलिए 185 इंस्टॉल किया हूँ 14 इंच में, ठीक है। देख सकते हो डिज़ायर, आप भी ऐसा मॉडिफाई करवा सकते हो, गाड़ी का स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, माइलेज लेके मैं नहीं सोचता क्योंकि इसका जो माइलेज है 25 से 27 है। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आता रहेगा। ये है कुछ माया टायर्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स देख सकते हो वीडियो की इस पार्ट में मैं गाड़ी का जो देखिए सामने का दो टायर तो चेंजिंग हो चुका है, एंड अभी अलाइनमेंट तो कराना है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑलरेडी है, उस दिन जो टायर इंस्टॉलेशन हुआ था तब बैलेंसिंग भी ऑलरेडी चेक्ड है, पीछे का टायर ऐसे ही मैं फेंकने वाला हूँ, उसका बैलेंसिंग हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, टायर ख़राब हो जाएगा थोड़ी दिन के बाद, मतलब कुछ किलोमीटर्स के बाद, तो अपन नया डाल लेंगे, ठीक है। तो ये अभी ये जो सेंसर प्लेट है इंस्टॉल हो रहा है, अलाइनमेंट चेकिंग करना है, ठीक है, इससे क्या होता है कि स्टीयरिंग के साथ जो गाड़ी का अलाइनमेंट है वो 6 महीने में एक बार कराना डेफिनेटली चाहिए, अदरवाइज आपका टायर का जो क्वालिटी है वो एक साइड से खाएगा, ठीक है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप लोग अगर गाड़ी के बारे में या टायर के बारे में ज़्यादा ये हो, मतलब सिंसियर हो, तो ये चीज़ हर 6 महीने में कराना उचित है। क्या भैया बोलिए कुछ फ़ायदा वगैरह क्यों करना चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग? अलाइनमेंट बैलेंसिंग इसलिए करना चाहिए, गाड़ी अगर आपका नया गाड़ी है, शोरूम से नया लिए है, अच्छा, सब कुछ पार्ट्स ओके रहता है, उसमें आपको मोटा मोटी 10-20 हजार में आपको एक बार अलाइनमेंट बैलेंसिंग टायर का रोटेशन करना चाहिए, करना चाहिए, मतलब 20 बार में या 6 मंथ्स में। हाँ, और जो पुराना गाड़ी है, मान लीजिए 4-5 साल पुराना गाड़ी हो गया है, गाड़ी डेली रनिंग है या प्राइवेट भी चल रहा है, मोटा मोटी रनिंग ठीक ठाक है, उसमें आपको हर 10,000 में अलाइनमेंट बैलेंसिंग टायर का रोटेशन, ये करने से टायर का लॉन्जिविटी बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगा, चारों टायर एक साथ में ही खत्म होगा। तो इससे क्या होता है अल्टीमेटली टायर का जो एफिशिएंसी है, मतलब जो टायर का लाइफ जो रनिंग के लॉन्ग लास्टिंग है वो बढ़ेगा, आपका बढ़ जाएगा 15-20 हजार, ऐसा ही बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर जो टायर सामने लगा है उसी में अगर आप 20,000 चला लेंगे तो खत्म हो जाएगा, वाला टायर ज्यादा घिस जाएगा, पीछे वाला उसका 25% घिसेगा। अच्छा अच्छा, और भैया हाँ बोलिए। सामने इंजन रहता है, इंजन का लोड पड़ता है प्लस पैसेंजर का लोड पड़ता है, उस हिसाब से आगे वाला, ये टू व्हील ड्राइव है, आगे वाला अगर गाड़ी आगे वाला चक्का आगे जाएगा तो पीछे वालों को खींचेगा, आगे वाला घिसते हुए जाएगा, अच्छा, तो आगे का टायर ज्यादा घिसेगा, सस्पेंशन अगर ओके है तो आपका टायर इतना जल्दी खाएगा नहीं,
अलाइनमेंट जल्दी आउट नहीं हो, अगर सस्पेंशन खराब है प्लस गाड़ी ज्यादा स्पीड में रनिंग है, अचानक ब्रेक मार देते हो, गड्ढा में पड़ता है, तब लाइन आउट होने का ज्यादा चांस रहता है। जो ड्राइविंग करेगा उसको लगेगा जो गाड़ी मेरा बायां टान रहा है, दाहिना टान रहा है, चक्का एक साइड खा रहा है, आपको 10,000 देखना नहीं है, आपको देखना पड़ेगा जो मेरा टायर का कंडीशन कैसा है, खा तो नहीं रहा है कई एक्सटर्नल, मतलब इंटरनली खा रहा है क्या, एक्सटर्नली खा रहा है, बीच में खा रहा है, वो देख के आपको अलाइनमेंट कर लेना। ठीक है, और भैया ये प्रोसेस क्या है एक बार समझा दीजिए जो व्यूअर्स है। चारों टायर पे सेंसर लग चुका है, सेंसर लगा हुआ है। हाँ, ये सेंसर टायर का जो है ये गाड़ी का डाटा कैच करके अपना वो मशीन में ट्रांसफर करता है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, उसमें वो शो करेगा, स्टीयरिंग का रोटेशन करके टायर का वाटर लेवल चेक किया है, वाटर लेवल चेक करने के बाद वहाँ पे दिखाएगा जो, थोड़ा इधर घूम के बोलिए, टायर का पोजीशन कैसा है, पोजीशन कैसा है, तो वो डाटा दिखाएगा जो किस पोजीशन में अभी टायर है, और ये गाड़ी का डाटा के हिसाब से जो रेंज है वो उस रेंज में हमको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, तब आपका टायर सीधा चलेगा और कम खाएगा। मतलब किंग पिन अलाइनमेंट जो लोअर आर्म वगैरह है, जो स्टीयरिंग एडजस्ट मतलब स्टेबिलाइजर रॉड है उसके साथ एकदम बराबर अलाइनमेंट होना चाहिए, तब जाके टायर्स का एफिशिएंसी एंड आपका लॉन्ग लास्टिंग बढ़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। ठीक है, यही है, नीचे से भी भैया एडजस्ट कर देंगे, तो थोड़ा बहुत जो ये था अभी देख सकते हो आप, स्टीयरिंग फुल्ली पूरा लॉक्ड है, स्टीयरिंग को एकदम सीधा लॉक्ड करके इधर लॉकिंग पोजिशन पे है, एंड ये इधर डाटा देख सकते हो आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, एंगल्स डिफरेंट है आपका, ये डायना साइड नीचे में देखिए वो लाल 20 डिग्री दिखा रहा था, 20 डिग्री में था लेकिन उसका रेंज जो है आपका 9 डिग्री से प्लस 9 डिग्री से माइनस 2 डिग्री। अच्छा अच्छा, अभी बराबर हो चुका है, अभी उसको हम प्लस 2 डिग्री के अंदर उसको रख दिया है। अच्छा, तो अभी एकदम अलाइनमेंट बराबर ओके हो गया। ओके, मतलब मेन जो अलाइनमेंट है वो फ्रंट व्हील का ही तो होता है ना, टू व्हील ड्राइविंग जो है वो फ्रंट व्हील का ही होता है, और फोर व्हील ड्राइव जो है उसका चारों व्हील का, फ्रंट और बैक दोनों तरफ होता है, बैक और दोनों तरफ। तो इसमें मॉडल वाले सब कुछ डालने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो चुका है, तो लगभग गाड़ी के हिसाब से है, फिर भी भैया एक बार कॉस्टिंग बोल दीजिए कितना क्या खर्चा होता है अलाइनमेंट बैलेंसिंग। हर गाड़ी का अलग अलग कॉस्टिंग रहता है, डिजायर गाड़ी का हम लोग का अलाइनमेंट का जो चार्जेस है 400 रुपया लगता है, और आपका दूसरा अगर फुल्ली अलाइनमेंट बैलेंसिंग एंड टायर रोटेशन कराएंगे तो 1000 रुपीज लगता है, नाइट्रोजन एयर फिलिंग कराएंगे तो इसका 200 रुपया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और भैया एक चीज बोल दीजिए कि इधर का एड्रेस बोल दीजिए और क्या क्या टायर्स आपके पास मिलता है वो बोल। टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, उट्टी रोड, इंदा, खड़गपुर, 721305, मोबाइल नंबर 9073988334। मेरे पास यहाँ पे ब्रिस्टोन, इकोहामा, अपोलो, गुड़ियर, पिरिनी, हैंकॉक, ये सब टायर मेरे पास, मतलब हर टाइप का टायर आपके पास, ब्रांडेड हो कुछ भी हो, MRF रखते हो क्या भैया? ब्रिस्टोन मिले, और आप स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कौन सा टायर को करते हो? मेरे पास स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड ब्रिस्टोन टायर है, बाकी आपको दूसरा कंपनी का चाहिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं देखे हो कि मैं योकोहामा यूज किया था क्योंकि भैया मेरे को स्पेशली सजेस्ट किया था। ठीक है, तो भैया के साथ स्पेशली सजेशन आप ले सकते हो, मैकेनिकल बाई चॉइस का नाम लेंगे तो डेफिनेटली आपको नेगोशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बाय बाय। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये वाला टायर अपोलो वाला पीछे का, ये इधर से खराब हो चुका है, इसको सही करना है, फेविक्विक के मदद से करेंगे, लेकिन खाली फेविक्विक यूज नहीं होगा, भैया के पास एक टायर जोड़ने वाला कार्बन है, कार्बन डस्ट, उसके मदद से करेंगे। ठीक है, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, करना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं दो फेविक्विक लेके आया हूँ। साइड में जो है आपका ओनली वो थ्रेड रहता है, सूता रहता है ना, सूता और रबर है। अच्छा, इसमें कोई अगर अच्छा इसमें कुछ भी लगा, चिप्स या कुछ, तो वो उड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो फेविक्विक है और स्क्रूड्राइवर, प्लायर एंड उसके साथ कोई का जो टेस्टिंग रबर, अच्छा उसको लगाना है, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अभी इंस्टॉल होगा, इसको करेंगे टायर रिपेयरिंग बराबर से एकदम। फेविक्विक गिरा तो भाई हाँ तेरे बिना अधूरा है, टूटा लेगा तारा भी चाहिए। ठीक है, फेविक्विक पहले डालेंगे एंड कैसे क्या टायर रिपेयर होता है आप देख सकते हो, टायर को मेरे को धोके लाना चाहिए था तब जाके बढ़िया होता, और हाँ वही पाउडर ही तो जाएगा और क्या, डस्ट ही। ठीक है, स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, चलिए इसके साथ एक पाउडर है, ये क्या पाउडर है,
टायर का ही है, जो टायर पंचर हो जाता है अच्छा। तो हवा में चला लेते हैं हाँ। अंदर से रबर जो है रिम के साथ घिस के वो पाउडर बना देते हैं। अच्छा अच्छा, वही पाउडर, वही पाउडर है, हम उसमें रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग के काम में लगा देते हैं। जो साइड से लग के उड़ जाता है, ग्रीस छूट देता है, उसमें लगा के फेविक्विक के साथ हम लोग चिपका देते हैं तो हो जाता है। देख सकते हो लगभग हो चुका है, उसके बाद फिर से एक फेविक्विक यूज करेंगे। चलिए देख सकते हो अब, तो ऐसे होता है टायर रिपेयरिंग। ओके मतलब साइड प्लाई या साइड वॉल अगर ख़राब हो जाए तो इसको इधर आके आप सही कर सकते हो। नीचे मतलब एड्रेस लोकेशन सब कुछ है, डिटेल्स वगैरह, फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन कर सकते हो अगर लोकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। एंड प्राइस रेंज जो है मैकेनिकल बाय चॉइस का नाम लेंगे तो डेफिनेटली नेगोशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत मिलेगा। ओके थैंक यू।